हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर ट्रस्टेड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पीएस वैल्यू के बारे में। किसी भी घोल का पीएस मान कितना होता है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पीएस वैल्यू को पैमाना सबसे पहले किसने बताया। एक सेरेंसन नामक वैज्ञानिक याद कर लीजिए, पीएस पैमाने को सबसे पहले जो ना इस सेरेंसन वैज्ञानिक ने नापा था, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप याद रख लीजिए। अब पीएच वैल्यू क्या, आखिर पीएच वैल्यू क्या बताता है, किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू आखिर बताता क्या दोस्तों। ये पीएच वैल्यू किसी भी चीज़ का हमें ये बताता है, जैसे कोई भी घोल कितना अम्ल या कितना क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन तो छोड़ो, यही रहता है, ठीक है। तो समझ पाए आप पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है, कोई भी घोल कितना अम्लीय कितना क्षारीय है या उदासीन है, ये हमें पीएच वैल्यू बताता है, ठीक है। पीएच वैल्यू सबसे पहले किसने मापा था, सेरेंसन नामक वैज्ञानिक ने मापा था, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं, जैसे कि आपको बता दूं मैं कुछ, जैसे कि ये क्या है, एक रेखाखंड। जैसे दोस्तों ये क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10 और इधर 11। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इसको देखिए जरा बढ़िया, इसको बढ़िया समझिए, ये समझ जाइएगा फिर हो जाएगा। देखिए इधर वाला जो 7 से जो इधर वाला पार्ट है, 7 से इधर वाला पार्ट है, ये आपका होगा एसिड यानी कि अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 जो पक्का है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। और 7 से इधर ज़्यादा आ रहा है, जो 7 से इधर आगे आ रहा है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। अब देखिए यहाँ समझने वाली एक बात है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पे अगर 7 आ जाएगा जिसका पीएच मान 7 होगा, तो वो क्या आएगा, उदासीन होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। देखिए ये जो 7 के इधर जो ये वाला पार्ट है, ये क्या, अम्ल होगा। अभी बताया, अब देखो 6, अगर 6 है तो ज़्यादा अम्ल नहीं होगा, अगर 5 है तो हल्का अम्ल होगा, अगर 4 है तो इधर, यानी कि इधर से इधर वाला क्रम जाओगे तो आपका अम्ल का जो क्रिया है, मतलब अम्ल का उसका प्रकार बढ़ते जाएगा। वो कितना अम्ल है, इधर से जाओगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर कोई जिसका पीएच मान 1 है तो समझो उसका क्या है, अम्ल बहुत अधिक है। अगर जिसका पीएच मान देखो 7 पर तो क्या, उदासीन होगा। अब उदासीन जाओ 8, 9, 10, 11, 12, इधर क्या है, पीएच क्षारीयता बढ़ती जा रही है, इधर क्या क्षारीयता बढ़ती जा रही है और इधर इसकी अम्लीयता बढ़ती जा रही है। तो आए समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ पदार्थ का पीएच मान। तो देखिए मैंने लिया आपके लिए, या आप इसको कॉपी में नोट कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो पदार्थ लिया है और पीएच इधर लिया, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी कि जल हमारा क्या होता है, 7 हुआ तो क्या हो गया, अभी मैंने बताया था कि 7 अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, 7 पर पक्का उदासीन होगा, ठीक है। अब देखिए जल का पीएच मान 7 हो गया। अब दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, तो 6.4 का मतलब क्या है, 6.4 का दोस्तों मतलब है कि दूध क्या होता है, हमारा अम्लीय ही होता है, ठीक है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। अब देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। सिरका में दोस्तों कौन सा एसिटिक अम्ल होता है, सिरका। अब ये रक्त क्या हमारा, यानी कि अब देख सकते हैं रक्त जिसे हम ब्लड बोलते हैं, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। जो रक्त होता है हमारा वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखिए नींबू का दोस्तों पीएच मान कितना, 2.4, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और NaCl जिसको हम नमक बोलते हैं, इसका पीएच मान 7 यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। शराब, अब शराब देखिए, शराब यानी जिसको आप दारू कहते हैं, तो उसका पीएच मान क्या, 2.8, यानी कि ये क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से 8.4, यानी कि अम्ल भी होता है, क्षारीय भी होता है, ठीक है। चलिए मूत्र किसको बोलेंगे दोस्तों, पेशाब को भी मूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा, 8.4, यानी कि पूरी तरह से ये क्षारीय होता है। अब आंसू का पीएच मान कितना होगा, 7.4, ठीक है। लार का पीएच मान कितना होगा, 6.5 से 7.5, यानी कि हल्का ये अम्ल होता है और हल्का क्षार भी होता है, ठीक है। दोस्तों मैंने पीएच मान से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें।